हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज दोपहर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, छत पर आ चुकी हूँ मैं। अभी 2:30 बज गया है और इधर साइड में छाया आ गई है, तो यहीं पर बैठी हूँ। मशीन मेरी यहीं रखी हुई है, सिलाई करनी है, तो अभी आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं बना रही हूँ एक सूट कुर्ती, तो उसी की सिलाई और कटिंग सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को भी यहीं ले आई हूँ, तो बच्चे भी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। छत के एक साइड में छाया आ जाती है 2 बजे के बाद से, तो देखिए इस तरफ में छाया है और इतनी जगह में हम लोग बैठे रहते हैं। इधर बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है, कल से स्कूल जाएंगे। तो हूँ मैं यहाँ पर बैठ के सिलाई करती हूँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रोशनी रहती है, सो सिलाई करने का काम यहाँ ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। कमरे में रोशनी नहीं आती है, तो कमरे में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे पाता है, अच्छी सिलाई नहीं हो पाती है। मेरे जो बाल है ना, बहुत ज़्यादा 2 मुँह हो गए हैं, तो मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें देखा है इनका सोलूशन। मेरे यहाँ तक 2 मुँह बाल हो चुके हैं, तो आज मैं इनको ख़त्म करूँगी और आपको बताऊँगी कैसे करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी ये कहीं और से वीडियो देखी है। हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, देखिए मेरी पूरे में बाल, मतलब यहाँ तक के बालों में मेरे 2 मुँह बाल हो चुके हैं। और मुझे पता नहीं था पहले कि ये कैसे हटाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, एक नहीं है ना बहुत। मैं 2 मुँह बाल हटाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कैसे हटा रही हूँ। देखिए मेरे पूरे बालों में 2 मुँह बाल एकदम रुखे रुखे से हैं, सूखे से हो चुके हैं। देखिए 2 मुँह बालों का इलाज शुरू हो गया है, मैंने करने की सोची, बच्चे पहले करने लगे, ये ले लिए इन्होंने कैंची और शुरू भी हो गए। चंदन बाल पूरे ना काट देना मेरे, ठीक है, मैं खुद करूँगी एक एक, ऐसे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे ना बाल। ये तरीका काम तो करता है, ऐसे बाल दिखाई देते हैं 2 मुँह बाल, सारे बाल बाहर निकल आते हैं चोटी के बाहर, पर एक एक बाल काटना बहुत मुश्किल है, काफी सारे बाल हैं, सारे बाल ही 2 मुँह हो चुके हैं एक एक। हाँ, ये आइडिया काम करता है, ऐसे करने से सारे 2 मुँह बाल कट सकते हैं, पर थोड़ा काटना मुश्किल है, एक एक बाल एक एक बाल। सारे जो 2 मुँह बाल हैं वो अलग आ जाते हैं ऐसे ऐसे करने से, देखिए ये है। कहाँ से देखा? मैंने आज यूट्यूब पे देखी थी एक वीडियो रात को, उसमें था ये आइडिया। जब 2 मुँह बाल हो जाते हैं तो बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल बढ़ते नहीं हैं फिर। मैंने तो अभी तक 3 2 मुँह ही काटे हैं मेरे, तो नहीं पेंट कट जाएगी। 2 मुँह बाल के डंठल से अलग बाहर आ जाते हैं, देखो ये आ गए ना जो बाहर चोटी के, ये सारे 2 मुँह बाल हैं। रुको 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 रुको, काट नहीं देते, देखो ये निकला है चोटी के बाहर सारे 2 मेरी सीजर। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने सारे 2 मुँह बाल ख़त्म कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हाँ ये आइडिया काम करता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। गाड़ी टकरा गई। तो फ्रेंड्स, मैं ये 2.5 मीटर कपड़ा लेकर आई हूँ, मैं इसकी कुर्ती बनाऊंगी अपने लिए, ये महंगा नहीं है ज़्यादा, पास के मार्केट से मैंने लिया है। आपको ये कपड़ा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, ये रात की लाइट में कुछ और दिखाई दे रहा था दुकान में, घर आकर कुछ और निकला, पर कपड़ा बहुत अच्छा है, जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने कुछ सामान खरीदा है ऑफलाइन मार्केट बहुत ही सस्ते में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बताइएगा मुझे सही मिला कि नहीं। ये स्ट्रेनर है, ये 10 रुपये में पड़ा मुझे, हैंकर जो ये 15 रुपये का एक दे रहे थे, पर मैंने 2 ले लिए थे, तो उन्होंने 10-10 रुपये में लगा दिए थे, तो ये भी ठीक है कि नहीं बताइएगा। ये बच्चों को पसंद आते हैं पॉपकॉर्न, तो उनके लिए 10-10 रुपये के पैकेट हैं। ये स्किन फ्रूट 10 रुपीज़ की, ये बच्चों का पेन, क्या ये ऐसे चलता है, जूते का सेफ है लेकिन ये साफ ना रहे। और ये बैंगल मेरे पास नहीं थे कड़े, तो मैंने घर में डालने के लिए कड़े ले लिए, तो चाबी छल्ला, ये चंदन को पसंद आया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा है। हमारी चाबी में कोई छल्ला नहीं है, ऐसे ही खाली चाबी है।
सो देखिए फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। वैसे तो सभी हाउसवाइफ को सिलाई आती है, अगर आप में से किसी को नहीं आती है कटिंग या सिलाई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। पर मुझे लगता है सभी को आती होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सेट नहीं किया है और मैं हमेशा 6 इंच ही गला रखती हूँ अपना। और अगर आप बिगनर हैं तो आप बुकरम पे इस तरह गला काट के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेप आ जाता है। और जिन्हें अच्छी तरह से आता है वो कपड़े से भी बना लेते हैं, पर बुकरम से बनाए गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप बुकरम से ही शुरू करें सीखना, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, आप जल्दी सीख पाएंगे। और ये मेरे सूट के मैच का नहीं है क्योंकि ऐसे वाले कपड़े में सीक्वेंस है तो वो चुभेंगे, इसीलिए मैं ये वाला ले रही हूँ ब्लाउज के अस्तर वाला। ये दूसरे कलर का है, सॉफ्ट कपड़ा है, इसलिए मैं ये वाला लगा रही हूँ। ये पूरे में इस तरह सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये इसका बॉर्डर है, मैंने कटिंग कर ली थी कल। तो सिलाई करना बहुत आसान है, जो रोज करते हैं उनके पास टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जल्दी करने के, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगी अगर आप में से किसी को नहीं आता है। पर मुझे ऐसा लगता है शायद सभी हाउसवाइफ को आता है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया है। बन गया? हाँ बन गया, बस एक जगह सिलाई और करनी है। ये फुल बाजू का है, देख। हाँ वाह, कितना सुंदर है। ये कुर्ती बनकर तैयार है, मैंने सिलाई पूरी कर ली है, बस गले में तुरपन बाकी है, वो कल कर लूँगी। देख लीजिए इस तरह का बनाया है मैंने, इस तरह का नेक रखा है और अंदर दूसरा कपड़ा लगाया है, क्योंकि इसका कपड़ा सीक्वेंस वर्क है ना, तो अंदर मुझे ऐसे लग रहा था कि चुभेगा, इसलिए मैंने ये ब्लाउज़ के अस्तर वाला लगा दिया, थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो कुर्ती बन चुकी है और देखिए शाम हो चुकी है, अभी 6 बज गया है, ऐसा मौसम हो गया है, 6 बजे का नाली है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।